नमस्कार बच्चों, मैं सारथी से बोल रहा हूँ। आप सबको यही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा था हमसे कि सर स्कूल्स कब खुलेंगे, कॉलेजेस कब खुलेंगे। सो हाल ही में छत्तीसगढ़ कैबिनेट मंत्रियों की एक बैठक हुई है जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि 2 अगस्त के बाद आपके स्कूल्स और कॉलेजेस खोले जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि कैसे। सबसे पहले कॉलेजेस के लिए बात करते हैं कि 2 अगस्त के बाद जो फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कॉलेजेस खुल रहे हैं, उनके एग्जाम्स 2 अगस्त के बाद होंगे। बाकी के जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या इंजीनियरिंग के लिए जो थर्ड ईयर हैं उनके लिए 20 अगस्त के बाद कॉलेजेस खुलेंगे। साथ ही अब हम बात करते हैं स्कूल्स की। जो शहरी क्षेत्र के अंदर जितने भी स्कूल्स आते हैं वो 2 अगस्त के बाद खुलेंगे, जिसमें कि मुख्यतः 10वीं और 12वीं, 10th और 12th जो कि बोर्ड क्लासेस हैं उनके बच्चों को बुलाया जाएगा स्कूल्स, वो भी अल्टरनेटिव यानी कि 40% अटेंडेंस के साथ। इसका मतलब यह नहीं है कि 40-40% बच्चे जाएंगे, इसका मतलब यह है कि एक दिन 10th की क्लासेस लगेगी, एक दिन 12th की क्लासेस लगेगी। अब हम बात करते हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूल्स हैं उनके लिए क्या नोटिफिकेशन है। जो ग्रामीण क्षेत्र, ऐसे ग्राम पंचायत जहां 0 केसेस है, जहां पे कोरोना के बहुत ही कम केसेस है, वहां पर ग्राम पंचायत ये डिसाइड करेगा कि क्या प्राइमरी और मिडिल या हायर स्कूल्स को खोले जाना सेफ है या नहीं है। अगर सेफ है तो वो खोलेंगे, अगर नहीं है सो वो थोड़े दिन और अभी वेट करेंगे। ये टोटली ग्राम पंचायत के अंडर आ चुका है। गाइस, जो बच्चों यही एक तरीके से नोटिफिकेशन आया है कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा जो बैठक हुई थी उसमें, कि 2 अगस्त के बाद फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो कॉलेजेस के हैं उनके लिए कॉलेजेस खुलेंगे, उनके एग्जाम्स होंगे, प्लस 20 अगस्त के बाद जो फर्स्ट और बाकी के जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनके लिए कॉलेजेस खुलेंगे। साथ ही में 10th और 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 2 अगस्त के बाद क्लासेस खुलेंगे, स्कूल्स खुलेंगे। आपको नीचे नंबर दिख रहा होगा, अगर आपको कोई भी फ्यूचर से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, आप एक बार मिस कॉल करिए, हमारे सारथी आपको कॉल बैक करेंगे और आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने का पूरा कोशिश करेंगे। आपको अगर और कुछ भी जानना हो तो भी आप हमारे इस नंबर पर विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारथी की तरफ से कि आप स्वस्थ रहें, सतर्क रहें।